नमस्कार दोस्तों, आइए आप सब YouTube चैनल प्रमोशन एसएलडी क्लास में स्वागत है। आज मैं अंकगणित का परिचय में जो है उसमें जो है तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें जो है अपने परिचय के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आज हम भिन्न के बारे में बताएंगे, भिन्न क्या है, भिन्न का फॉर्मूला क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या रहता है उसे भिन्न कहा जाता है, अर्थात इसको लिखित रिटर्न में लिखेंगे हम। यदि कोई संख्या पी बटा क्यू के रूप में हो या क्यू पी बटा क्यू का रूप हो तो उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। यानी कि पी बटा क्यू के रूप में हम उसे सिंपल से बात है कि हम भिन्न संख्या कहते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू इज इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू जीरो है, इसको इज इक्वल टू कहते हैं, मतलब बराबर कहते हैं। और नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पी को अंश कहा जाता है और क्यू को हर कहा जाता है, समझना। इसे तीन भागों में बांटा गया है, भिन्न को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। तो अब इसमें जो है आपने भिन्न के बारे में जाने, अब दूसरा का टॉपिक है सरलीकरण। सरलीकरण क्या है? अभी सब जितना चीज आपको अंकगणित में लिखवाए थे उसके बारे में अभी परिचय बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं, उसका फॉर्मूला कुछ बता रहे हैं, अभी सवाल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सवाल जब सब इंट्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद सवाल आपको बनाकर दिखाएंगे और समझाएंगे, ठीक है। अभी इसके विशेष बात पर ध्यान दीजिए कि इसका बेसिक नॉलेज क्या है, बेसिक क्या है, इसमें बेसिक क्या चीज होता है, इसके बारे में पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद आसानी तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब सरलीकरण किसे कहते हैं तो सुन लीजिए, गणितीय संख्याओं को साधारण भिन्न या संख्यात्मक रूप में बदलने की प्रक्रिया। गणितीय संख्याओं को साधारण भिन्न या संख्यात्मक स्वरूप में बदलने की प्रक्रिया को सरलीकरण कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। सरलीकरण में अनेकों प्रकार की फॉर्मूला का यूज किया जाता है। जैसे देख लो, यहाँ पर बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास में होता है क्या, बी से ब्रैकेट होता है, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठक, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठक, ओ से ऑफ होता है, ऑफ का हिंदी होता है कार, डी से डिवीजन होता है, डिवीजन का हिंदी होता है भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का हिंदी होता है गुणा, ए से एडिशन होता है, एडिशन का हिंदी होता है योग, और ए से सब्ट्रैक्शन होता है, उसका हिंदी होता है अंतर, ठीक है। और सरलीकरण में और फॉर्मूला होता है जो कि देख लीजिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी होता है। उसके बाद a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। और a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ab होता है, क्या होता है, 4ab होता है। तो इसमें जो है आपने जिस फॉर्मूला के बारे में जाना पहले इसके बारे में, फिर इसके बाद दोनों को एक जोड़ दिया तो क्या फॉर्मूला, दोनों में घटा दिया तो क्या फॉर्मूला, आपको पता हो गया। अब चलेंगे क्यूब के बारे में बात करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a प्लस b होता है, सॉरी a माइनस b होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस 3 प्लस b स्क्वायर होता है। और a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b होता है। और a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b होता है। अब देखो यहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। चलिए ये जो होता है, होने की प्रक्रिया जो है कैसे हुआ, ये जो कैसे हो गया, मान के चलिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो कैसे होता है, ये तो इसके बराबर होता ही है, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में अगले वीडियो में देंगे और समझाएंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।